बाबा की साकार मुरली है प्रातः मुरली है ओम शांति बाप दादा मधुबन तारीख है आज के 14 जुलाई 2023। बाबा के शिव बाबा के महावाक्य है बाबा बोले मीठे बच्चे याद रखो हमारा बाप टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे Of of okay. so the... अलग होते हैं फिजिकल फादर टीचर स्कूल में हम जाते हैं तो वो अलग होते हैं और गुरु जब हम वन प्लस मीन रिटायरमेंट एज में जब गुरु करते हैं तो वो भी अलग होते हैं वो लौकिक लाइफ में लेकिन यहाँ क्या है तीनों ही एक है बाप टीचर और सतगुरु शिव बाबा है कंबाइंड है तीनों तो खुशी का पारा चढ़ेगा और उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे और उनकी श्रीमत पर कैसे चलते रहेंगे अगर बाप का फरमान भी हमने माना तो भी श्रीमत मानी हमने टीचर का ये ज्ञान जो बाबा हमें टीचर बनके हमें ये जो ज्ञान सिखाता है वो हमने धारण किया तो हमने श्रीमत जो, हमने जो उनकी आज्ञा होती है पालन हमने तीनों का मान रखा बाप टीचर और सदगुरु तो बा, बा, बा केते क्या कहते हैं खुशी का पारा भी चढ़ेगा और हम श्रीमत पर कंटिन्यूस चलते रहेंगे प्रश्न है आज का ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है उत्तर है ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो भले कोई इंसल्ट करे गाली दे लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा लेकिन बाबा फिर भी क्या कहते हैं पात्र देखकर दान देना है। भी व्यर्थ न जाए इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए पैसा भी किसको संभाल से देना है तो क्या करना है हमें पहले तो खुद को ये पढ़ना है अच्छी तरह उसके बाद जाके समझ के पढ़ के पढ़ाना है और दूसरों को समझाना है और हम पर जो बाबा का रंग लगा है ये ज्ञान का रंग वो हमें दूसरों को भी लगाना है लेकिन उसमें भी खबरदारी रख के करना है भले चाहे कोई इंसल्ट करे गाली दे उसकी कोई बात नहीं वो चाहे जाने दो लेकिन सामने वाला कैसा है पात्र नब्स कहते हैं ना बाबा नब्स देखकर ज्ञान देना है पल्स देखकर क्योंकि अगर उन लोगों ने जाकर ये ज्ञान का किया तो हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए तो ये कौन सा धन है बाबा का ज्ञान धन अविनाशी धन और वैसे बाबा क्या कहते हैं पैसा भी किसको संभाल से देना है क्योंकि हमारे पैसे से जाके उन्होंने कोई भी कर्म किया तो वो हमारे खाते में जमा हो जाएगा वो पाप का खाता तो गीत है आप जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं। नहीं वहां तो मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ कौन स्वयं भगवान पढ़ाता है सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है बरसात तो पानी की होती है परंतु यह महिमा गायी हुई है क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर नॉलेजफुल भी कहते हैं क्योंकि बाबा में भर भर के पूरी नॉलेज है तो ज्ञान का सागर है बाबा इसलिए नॉलेजफुल है नॉलेज को बरसात पानी व अमृत नहीं कहा जाता है जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं मान सरोवर का तालाब है तो अभी हमें यहाँ क्लियर ये करना है कि नॉलेज को बरसात ज्ञान या अमृत पानी को पानी व अमृत नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि ये फिजिकल नहीं है ये जो बाबा की नॉलेज है कुछ लोग फिजिकली ले लेते हैं कि नहीं ये तो पानी है या अमृत है तो हम पी सकते हैं तो ऐसा नहीं है ये सूक्ष्म है सटल है क्योंकि ये नॉलेज जो बाबा दे रहे हैं ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं वो हमें धारण करके हमारे संस्कारों को चेंज करना है इसलिए यहाँ पीने की वह वैसी बात नहीं है कि ज्ञान अमृत पी लिया तो चलो हम अमर हो गए नहीं ऐसा नहीं है इसलिए कई लोगों को कुछ को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो यो तो ये क्लैरिफाई करना है कि ये नॉलेज है और नॉलेज बाबा कभी भी कहते हैं ज्ञान अमृत क्योंकि ये नॉलेज हम धारण करके अपने संस्कार परिवर्तन करके हम अभी क्या बन रहे देवी देवता बन रहे हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान अमृत है बाकी वैसे फिजिकल बरसात पानी व अमृत नहीं कहा जाता जैसे मानसरोवर का तालाब है अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वो लोग माना सिख लो अमृत समझते हैं यह बाप बैठ समझाते हैं पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे क्योंकि पढ़ाई पहले तो हम पढ़ते हैं पढ़ के हमें हम धारण करते हैं उसके बाद जाकर हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो वो जैसे हमसे बरसात होती है किसकी ज्ञान की या माना पढ़ाई की जो हमने पढ़ा हुआ है तो बाबा कहते हैं समझते हैं अमृत है इससे दुख दूर हो जाएंगे देखो लोग क्या करते हैं मनुष्य लोग वास्तव में ले लेते हैं लिटरल मीनिंग लेके उसका गलत मीनिंग समझ लेते हैं कि ये पीने से इससे दुख दूर हो जाएंगे वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं इक्कीस जन्मों के लिए तो ऐसा नहीं है कि अभी ये पी लिया कुछ ज्ञान पानी वगैरह कुछ समझ के और बाद में हमारा जो अभी का दुख है वो दूर हो जाएगा बाबा कहते नहीं ये तो 21 जन्मों के लिए दुख दूर होते हैं माना हम स्वर्ग की राजाई पाते हैं जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है यहाँ बाप टीचर सदगुरु तीनों ही कंबाइंड है यह एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंची ते ऊंच बाप की पढ़ाई से ही ऊंचते ऊंच बन सकते हो। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं। पिया कौन है यहाँ हमारा शिव बाबा और हम सब स्टूडेंट हैं। और हम सब स्टूडेंट आत्माएं सब स्टूडेंट हैं। यहाँ बैठेंगे पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखे तो कितना बड़ा मकान चाहिए तो बाबा कहते मधुबन भी पूरा कम हो जाएगा सब लोग वहां जाके बैठ जाए तो सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा कितने सेंटर हैं? से? अभी तो अर्जुन थोड़े हैं। इससे भी हजार गुना जास्ती होंगे एक हजार दो हजार पांच सात हजार भी सेंटर्स हो सकते हैं फिर घर घर में यह ज्ञान गंगाए ज्ञान की वर्षा करेगी तो क्या होता है इसमें कि हर एक पूरे परिवार में से एक भी बी के बन गया तो वो क्या करेगा घर में जाके युक्ति युक्त बाबा के बाबा का जो ज्ञान है वो बाबा के बच्चों को मीन्स हमारे जो घर वाले है लौकिक में हम सबको थोड़ी थोड़ी एक दो एक दो पॉइंट भी युक्ति युक्त एक दिन में सुना दे तो वो क्या हुआ हम ज्ञान गंगाए होगी और हम क्या करती हैं ज्ञान की वर्षा करती हैं। जरूरी नहीं है घर में सब लोग इस ज्ञान में चले लेकिन फिर भी एक भी बीके बन गया तो थोड़ी थोड़ी ज्ञान की धारा बहने लगेगी घर में इस बाबा के ज्ञान की तो बाबा कहते हैं इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे जहां तहां देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। अभी बाबा डिफरेंस बताते हैं दोनों का कि कुमारी ईश्वर विद्या विश्वविद्यालय नाम रखते हैं वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए कई बच्चे डरते हैं कि बी के नाम देख हंगामा ना कर इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बहुत गीताएं है पढ़ते हैं सब समझते हैं कोई विघ्न ना पड़े इसलिए बीके नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं तो कहीं बीके डरते हैं कि बीके का नाम सुन के कहीं हंगामा ना हो जाए वास्तव में तो बात एक ही है बाबा कहते हैं अंदर घुसने से चित्र आदि देख जड़ समझ जाएंगे यह तो वही बी के है इसलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार अंदर आने से तो पता चल ही जाएगा कि यह क्या है कौन लोग है कौन सा ज्ञान दे रहे हैं हैं तो बाबा कहते इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में यह ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारिया है यह तो अच्छा है ना तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार हो। ब्रह्मा को तो जानते हो क्योंकि सब चाहे वो माने या ना माने इस ज्ञान को इस इंस्टीट्यूशन को लेकिन बाबा क्या कहते ब्रह्मा ने सृष्टि रची ये तो भक्ति मार्ग में भी सब समझते हैं तो यहाँ ब्रह्मा कौन है हमारा ब्रह्मा बाबा है तो बाबा बाबा कहते हैं वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमार या हो जो नहीं मानते हैं वो भी प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का तो उसने पूरी मनुष्य सृष्टि की रचना की है तो फिर तो हम सब हुए प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं को रचता नहीं वह तो आत्माओं का अनादि बाप है आत्माओं को रचता नहीं है शिव बाबा वो आत्माओं का अनादि अनादिटर बाप है प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, में? ब्रह्मा में। आत्माओं का बाप माना इनमें माना ब्रह्मा बाबा में आते हैं। आकर ब्रह्मा को एडप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है यह तो समझाने में और ही सहज होगा परंतु डरते हैं कहेंगे बीके के पास मत जाओ गीता पाठशाला में भले जाओ घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं इसलिए कुछ लोग डरते हैं तो बाबा कहते हैं लेकिन धीमे धीमे आ जाएंगे भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है जांच बजाने वाला भक्त था या ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके घूमता था ऐसे नहीं नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं वास्तव में बंदर तो तुम सब भी थे सूरत मनुष्यों की सीरत बंदर की थी माना हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम बिगड़ते बिगड़ते हम बंदरों से भी बदतर हो गए बदतर हो गए थे अभी बाबा हमें मिला और धीमे धीमे हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं तो बाबा कहते हैं यूं तो सब नारद है सब भक्त है ना समझ सकते हैं जब तक हम देवी गुण वाले मनुष्य न बने तब तक हम लक्ष्मी को वर न सके सभी मेल मेल नारद है तो यहाँ कौन नारद मेल फीमेल माना सब आत्माए सब भक्त नारद है कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो तुम तो बंदर हो क्योंकि तुम्हारे में पांच विकार है इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे है सारी यहां की बात। बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है द्रौपदियों के चीर हरते हैं इसलिए पुकारती है हमको नंगन होने से बचाओ रक्षा करो कन्याएं कहती है लाज रखो गिरिधारी नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्य का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो साक्षात्कार हो क्योंकि भक्ति में क्या होता है किसी को भगवान का पता नहीं है विकर्म विनाश कैसे कैसे करना है उसका भी पता नहीं है सिर्फ समझते हैं कि हम नोधा भक्ति कर ले तो कम से कम हमें साक्षात्कार हो जाए तो बाबा कहते अच्छा साक्षात्कार हो जाए परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल न सके जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सके ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है छूट गई ना हमारी भक्ति पहले एक हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं पहले एक हफ्ता माना सात दिन का राजयोग का कोर्स करने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं मींस हम देवी देवता बन सकते हैं परंतु टाइम तो लगता है यह तो बरोबर है तुम बाप के साथ हो बाबा के पास आते हो फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है होता है ना जब हम मधुबन जाते हैं मधुबन तो क्या अभी हम पांच दिन पीस विलेज जाके आए हैं यूएस में तो भी जब घर आए तो ऐसा होता है कि बाबा का घर छोड़ के आए तो कितना बाबा कहते कि फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे यह हो न सके कोई कहाँ से कोई कहाँ से आते हैं यह रस्म यहाँ ही है साधु संत आदि पास्तव ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं कोई भी किसको मना नहीं करते यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है इसलिए रोकते हैं सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स मेल्स या ना पुरुष घर बार छोड़ चले जाते हैं यहाँ तो कुमारिया माताएं सभी है तो यहाँ सिर्फ मेल्स नहीं है यहाँ तो मेन कौन है कुमारिया और माता ये मेन है तो बाबा कहते हैं देखो कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं शादी नहीं करेगी तो बीमार हो जाएगी उनको समझाना चाहिए अरे सन्यासी कितने बनते हैं बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां रहते हैं फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते यहाँ क्यों बीमार होंगे तो कई लोग ट्रिक्स यूज करते हैं कि कुमारी जो होती है वो बीके ना बन जाए इसके लिए कहते हैं अगर तू शादी नहीं करेगी तो बीमार हो जाएगी तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि इतने मेल्स यानी कि पुरुष लोग इवन छोटे छोटे बच्चे मेल्स जो होते हैं वो ब्रह्मचारी रहते हैं यानी कि साधु बन जाते हैं सन्यासी तो वो क्यों बीमार नहीं होते हैं शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है तो कभी क्या होता है बाबा कहते हैं कई मेल्स पुरुष लोग घर छोड़कर चले जाते हैं सन्यास धारण कर लेते हैं तो बेचारी स्त्री तो घर पे अकेली बच्चों के साथ रह जाती है तो वो घर खर्च भी नहीं मांग सकती उसके उसके पास तो बाबा कहते हैं वह तो भाग जाते हैं स्त्री खर्च कहाँ से लाए फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं गरीब जास्ती भागते हैं दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है क्योंकि बच्चे होते हैं घर परिवार होता है लेकिन कमाने की टैलेंट या स्किल्स नहीं होती है तो डिसअपॉइंट होके घर छोड़ के चले जाते हैं खुद तो संन्यास ले लेते हैं बा, बाद में पीछे बीबी बच्चों का कुछ सोचते नहीं है तो वो बेचारी घर काम कुछ भी करके और आसपास वाले भी जो लोग होते हैं वो उनको संभाल लेते हैं तो बाबा कहते हैं दुखी होते हैं क्योंकि पैसा कमाने की उनमें स्किल्स नहीं होती तो फिर वैराग्य आता है तुम भल दुखी थे परंतु वह वैराग्य की बात नहीं तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ट दिखाया जाता है बाबा कहते हैं तुम यहाँ बिल्कुल दुखी नहीं हो तुम सन्यास लेते हो लेकिन हमारा कौन सा है सतोप्रधान सन्यास है हम गर्भ गृहस्थ में रहकर सन्यास पवित्रता अपनाते हैं और बाबा पहले तो क्या दिखाते हैं हमें हथेली पर बहिष्ट दिखाते हैं पवित्र बनने बिगड़ कैसे जा सकेंगे बहादुर बनना चाहिए इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है तो ये किन लोगों के लिए है जो सरेंडर होना चाहते हैं, समर्पण होना चाहते हैं, सेंटर पे जाके तो बाबा कहते हैं पहले ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है ज्ञान की धारणा नहीं होगी नष्टो मोहन नहीं होंगे तो माया आकर फतकाएगी मीन्स हैरान करती रहेंगी शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारी नाम बदनाम हो जाता है तो कई लोग क्या होते हैं पहले उनको बहुत जोश आ जाता है कि समर्पण होना है सरेंडर होना है सरेंडर होने के बाद घर वालों की याद आती है शादी करने की इच्छा होती है तो वो क्या कहते हैं बाबा का नाम बदनाम कर देते हैं पहले नष्टो मोहा बनना पड़े तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोह नहीं बने याद आती रही ये जब बाबा ने शुरू में ओम मंडली शुरू की थी तब तो कितने लोग वापस भाग गए थे यहां से गए मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए मोह ने घेर लिया यह भी ड्रामा की भावी अभी भी बाप कहते हैं पहले पहले तो नष्टो मोहा बनो एक मोस्ट बिलव्ड बाप के बन जाओ कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे कहा जाता है ना चढ़े तो चाखे वेंकट रस घिरे तो चपनाचूर माना अगर हम चढ़े बाबा के ज्ञान से ये तो हमें वेंकट रस चखने को मिलेगा और अगर हम बाबा को छोड़ के भागे तो हमारी हड्डियां चुरचुर मींस पूरे बोन्स क्रश हो जाएंगे ऐसे नहीं कि छोड़कर जा, आ जाए फिर मोर सताए तो बाबा कहते हैं सरेंडर होने से पहले पूरा नष्ट मुहा बनना है ऐसे नहीं कि छोड़कर आ गए माना लौकिक फैमिली छोड़कर आ गए फिर मोह सताए ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौटाते हैं बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं मीन्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं निंदा करते हैं उसकी समझते हैं यह काम के लिए भागा आया है यहाँ भी समझा जाता है काम विकार की बाबा बात कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ भी समझाया जाता है यह पूरा नष्ट मोहा नहीं बना था विकारों ने घेर लिया बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है जाके देखो मधुबन में या पीस विलेज में जाके देखो हम कभी कभी सोचते हैं कि अभी एक खाना नहीं खाना एक टाइम का मिल नहीं खाना है उतना खाना दिया जाता है उतना सुबह अमृत वेला पूरा होने के बाद सुबह पौने पांच बजे से लेके खाना पीना शुरू होता है रात को डिनर खत्म होने के बाद भी चाह पानी कॉफी वगैरह कहीं वो तो रहता ही है ट्वेंटी फोर सेवन तो बाबा कहते हैं बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं गरीब साहूकार एक समान है तो बाबा कहते वहां जाते हैं तो सब एक समान हो जाते हैं तो इसलिए पहले बाबा यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ बाबा के घर में खान पान की कोई तकलीफ नहीं होगी आपको लेकिन कंडीशन एक ही है नष्ट वहां पहले बनना है तो बाबा कहते हैं गरीब साहूकार एक समान है मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांझते थे देखो बाबा ब्रह्मा बाबा और मम्मा क्या करते थे सबको सिखलाने के लिए खुद बर्तन मांझते थे झाड़ू लगाते थे देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है सन्यासी भी ऐसे कराते हैं क्योंकि अगर कोई साहूकार लोग गया और अपने प्राइड में रहा कि मैं तो ये नहीं कर सकता तो यहां वो नहीं चलता है देह भान को तोड़ना होता है पहले कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे देह अभिमान तोड़ने लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिलकियत मिलती है एक सेकंड में 21 जन्म की सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है वहां गए सन्यास लिया लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होगी बाकी पवित्र है इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं यह जो राजयोग है विश्वका मालिक बनाते हैं विकार में नहीं जाना है मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी थी, ना? वह तो भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करती थी उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से तो भला वह विकार में कैसे जाएगी सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो ऐसे भी कह सकते हैं वह भक्ति मार्ग में गई क्योंकि सो होती है तो अंत तक मेरा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी तो जब उसने प्राण भी त्यागे तो उसको उसके मन में उसके बुद्धि में श्री कृष्ण ही था उसके संकल्प में सब कुछ श्री कृष्ण तो बाबा कहते हैं वैसे भी जो भी हमारी सोगति होती है माना जो हम पूरा काल का अभ्यास हमारे बुद्धि में क्या चलता रहता है वो काल में वो ही याद आएगा। तो मीरा ने वही किया था पूरी भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का ही उसने तो श्री कृष्ण की भक्ति की थी तो शायद बाबा कहते हो सकता है दूसरे जन्म में भी वो भक्ति मार्ग में भी गई होगी श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्ति ही बन जाएगी परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले देवताओं की अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती है और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती है तो इसलिए कम होती है क्योंकि जब से हम पहले से शुरू करते हैं तो उसके बाद हमारी गिरती कला शुरू होती है अभी हमारी क्या है चढ़ती कला है उड़ती कला भी कह सकते हैं हम अभी तो बाबा कहते हैं अभी तो कोई काम के नहीं रहे जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है तो अब भी जो पुरुषार्थ हम करते हैं उससे हम आधा कल्प सीधा ऊपर जाते हैं याना यानी कि सत्युग और त्रेता में जाते हैं उसके बाद नीचे आना शुरू होता है मनुष्य समझते हैं गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें परंतु ईश्वरीय नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है हम तुम क्या थे कुछ भी नहीं ज्ञान जरूर चाहिए शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं हम इस दुनिया में किसके लिए अपने शरीर निर्वाह अर्थ के लिए लाइवलीहुड के लिए कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है क्योंकि सिखाते हैं माँ बाप कि अपने अपने पैरों पे खड़े रहना है किसी पर डिपेंड नहीं करना है इसलिए कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है आगे यह कायदा नहीं था कन्याएं घर संभालती थी बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते हैं बच्चे माना बॉयज मेल मेल पीपल इन हाउस बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ कोई ऐसा नहीं है कोई मेल फीमेल ऐसा नहीं है यहाँ सब आत्माएं पढ़ती हैं अगर सभी यहाँ बैठ जाए तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे जाना पड़े पढ़ना और पढ़ाना है तो हमें वहां सेटल नहीं हो जाना है कहा मधुबन में कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं तो समझना चाहिए यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए इसमें डरने की बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा भले कोई इंसल्ट करे गाली दे तुम पुरुषार्थ करके देखो किसी न किस पर किस न किस पर असर जरूर होगा बिच्छू चलता है तो नर्म चीज मीन सॉफ्ट चीज देख वहां डंक मार देता है जांच करता है पहले वो टेस्ट करता है उसके बाद डंक मारता है यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए अविनाशी धन कहा व्यर्थ किसको नहीं देना है ध्यान रखना है ये हमें पात्र देख दान करना है अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है पूछकर। कर यहां तो जो भी बना रहे, यह सब जल्दी ही टूट-फूट जाएंगे। तो बाबा कहते जो भी बना रहे माना जो भी मकान सब कुछ बन रहा है अभी किसी का भी कहीं भी तो वो सब टूटने वाला है यह मकान भी बच्चों के रहने लिए बने हैं माना इवन माउंट आबू में भी जो बने हैं हम सब जाते हैं तो हमारे लिए बच्च हम बच्चों के लिए रहने के लिए बने हैं यह तो जानते हैं सब टूटने हैं अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं ना अमेरिका रशिया आदि होगी सिर्फ भारत खंड रहना है यह तुम जानते हो बाकी दुनिया तो घोर अंधेरे में है बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है इसमें टीचर्स भी नंबर वार है सभी एक समान तो होते नहीं मीन यानी कि जो ब्राह्मणी टीचर्स बाबा कह रहे हैं जो पढ़ाती है सब नंबर वार है। सभी एक समान तो होते नहीं इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है तो चाहे पढ़ाने वाला कोई भी हो कोई भी टीचर हो लेकिन हमें बहन हो या पांडव भाई हो कोई भी हो हमें तो सिर्फ किसको देखना है तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है फिर है यह ब्रह्म पुत्रा नदी मीन्स ब्रह्मा बाबा कहते भी है त्वमेव माता चपिता त्वेव तो यह माता ना फिर सरस्वती का नाम भी सरस्वती का भी नाम है ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्र नाम ठीक है दिखाते भी है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है यहां फिर आत्मा और परमात्मा का यह मेला है इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है अच्छा मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते शुक्रिया बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट है मोस्ट बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है ये सेंटर वालों के लिए है दूसरी पॉइंट है इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है हमें क्या करना है गृहस्थ में रहना है लेकिन इस दुनिया का वैराग्य करना है पुरानी दुनिया पुराना संस्कार तो उन सब से हमें वैराग्य रखना है और पवित्र बनने में बहादुर बनना है तो बाबा ने दोनों कैटेगरी को अभी समझा दिया सेंटर वालों के लिए और हम गृहस्थ में रहने वालों के लिए भी दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर करना है वरदान है आज का परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव परिस्थितियों को साइड सीन दिख, समझ देखना है उनमें अगर इन्वॉल्व हो गए तो हमारा पुरुषार्थ बंद हो जाएगा रुक जाएगा तो बाबा विस्तार से समझाते हैं सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो अवेयरनेस तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है क्योंकि जहां तक हम ज... Alive है, जिंदा है तब तक परिस्थिति तो आने वाली ही है तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करो कि साइड सीन है परिस्थिति समझने से धबरा जाते, लेकिन अथवा रास्ते के न, नजारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है घबराते नहीं विघ्न विघ्न नहीं है लेकिन आगे बढ़ने का साधन है परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो तो परीक्षा तो आएगी पेपर आएगा हमें डरना नहीं है लेकिन बहादुर होके क्या कौन सी अवेयरनेस रखनी है स्मृति मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे स्लोगन है आज का ऐसे सहजयोगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए तो सहजयोगी माना इजी योगी ऐसा नहीं कि हमें मेहनत लगती है हमें लेबर ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है नहीं बाबा कहते मेहनत नहीं ऐसे इजी योगी सहजयोगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए दूसरों को भी बाबा से प्यार हो जाए अच्छा तो बाबा की मुरली पूरी होती है आज की